हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम डेली के करंट अफेयर देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो वो वैक्यूम में दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है निर्वात में। और अगर बात करें हम साउंड की, तो साउंड निर्वात में नहीं चलता है दोस्तों, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो हमारा जो बैंगनी कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी दोस्तों मतलब वायलेट कलर, क्योंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के कारण ही जो तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु यानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम जो हमारी गैस है वो वायुमान की टायरों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो टांका धातु है, टांका धातु या शोल्डर वो टिन व सीसा का मिश्रण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा थी, और पुरुष में देखा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों वो चंद्रमा पर मतलब पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर अपना पैर रखे थे। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन जो हैं वो लेखक हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।